व्हाट्स अप गाइस, दिस इज सुभाष एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में बहुत ही बेस्ट एंड काफ़ी मतलब बोल सकते हैं एक बेनिफिशियल ये वीडियो होने वाली है उनके लिए जो प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक चॉल रूम और एक शॉप लेके आ गया हूँ जहाँ पर आप लोग को बहुत ही चीप प्राइस में मिलेगा और लोकेशन इतनी बेस्ट लोकेशन में बताऊँ ना, वन ऑफ दी बेस्ट अब तक का मेरे को तो लगता है यही सबसे बेस्ट वीडियो चॉल के ऊपर मैं बना रहा हूँ, क्योंकि ये जो लोकेशन है बहुत ही एकदम ही शानदार लोकेशन पे है। मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ, तो सबसे स्टार्टिंग करता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्या क्या दिखाने वाला हूँ, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक शॉप दिखाऊंगा, बेसिकली टू टाइप का शॉप रहने वाला है। एक शॉप ऐसा रहेगा जिसमें कि किचन और बाथरूम ही रहेगा, और एक ऐसा शॉप रहेगा जिसमें किचन और बाथरूम रहेगा मतलब टॉयलेट एरिया रहेगा वो शॉप में। तो दो टाइप का शॉप होने वाला है और तीन टाइप का घर मिलने वाला है, मतलब एक 1 आर के रहेगा, एक 1 BHK रहेगा और एक 2 BHK रहेगा। तो तीन टाइप का घर होने वाला है, और आप यकीन नहीं करोगे प्राइस जो मैं बताने वाला ना, प्राइस के लिए आप भाई एंड तक देखने वाला हूँ, आप एक्सेप्ट नहीं करोगे वो प्राइस होने वाला, मतलब इतना चीपेस्ट प्राइस रहेगा। और मैं आपको मेरा आसपास का लोकेशन दिखाता हूँ, लुक एट दिस, इस टाइप का घर रहेगा। मेरा इधर दिखाता हूँ मैं पहले, ये देखो ये घर दिख रहा है, ये घर, और इसके पीछे मेरे एक काम करो थोड़ा सा पीछे बैक साइड पे आप लोगों को थोड़ा दिखाता हूँ, एक मिनट रुको। ये देखो पूरा एरिया पहले देखो, मतलब यहाँ देखो अभी फिलहाल ये जो आप घर देख रहे हो ना, फ्यूचर में आपका भी ऐसा बिल्डिंग में कन्वर्ट हो सकता है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा है ये देख सकते हैं। और चलो अभी मैं आप लोगों को लोकेशन बताता हूँ ये कहाँ पर है लोकेशन। गाइस ये है खड़वली, महाराष्ट्र में मैं आ गया हूँ, खड़वली में हूँ। ये खड़वली के नाम से पूरा मतलब ये पूरा शहर जाना जाता है, और आप लोग आवाज़ सुन रहे हैं कि ट्रेन की आवाज़ आ रही रहेगी, मतलब हॉर्न की आवाज़ आ रही रहेगी। और स्टेशन आप यकीन नहीं करोगे गाइस, स्टेशन जो एक कनेक्टिविटी करती है पूरे यहाँ से वहाँ लोगों को, स्टेशन जो है वो यहाँ से सिर्फ 500 मीटर पे। भाई 500 मीटर क्या होता है, 500 मीटर बोले तो आप 2 मिनट चल के जाओगे ना तो स्टेशन तक पहुँच जाओगे। वो जो आप लोग पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं वहीं पर ही रेलवे स्टेशन है, और वो कौन सा रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर मेल ट्रेन, वहाँ से मेल ट्रेन गुजरती है, बट मेल ट्रेन रुकती तो नहीं है, बट लोकल ट्रेन रुकती है जो मुंबई से अपनी चलती है कसारा तक। यहाँ से आगे जाओगे तो कसारा है, और इस साइड जाओगे तो अपना मुंबई में एंटर करती है, कल्याण आता है, थाने आता है, फिर अपना मुंबई आता है। तो तब मुंबई से लेके कसारा के जो बीच चलती है वही ये खड़ौली, उसी के बीच के आता है, मुंबई टू नासिक के बीच में खड़ौली आता है। तो यही लोकेशन पे हूँ मैं, और यहाँ पर उनके लिए भी बहुत बेनिफिट हो सकता है जो मुंबई में काम करते हैं और उनको एक चीप प्राइस पे घर चाहिए रहने के लिए, उनके लिए भी बेस्ट हो सकता है। बिकॉज अगर आप मुंबई में काम करते हो तो देखो यहाँ से जो लोकल ट्रेन चलेगी आपको, सबसे पहले तो बात आप घर से निकलोगे तो आपको कोई एडिशनल कोई भी ट्रैवलिंग का कुछ खर्चा नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ से आप चल के जाओगे 1 मिनट पे अपना रेलवे स्टेशन पे पहुँच जाओगे। वहाँ से आप लोकल ट्रेन पकड़ के मुंबई के लिए 1.5 घंटे का सफ़र रहेगा, 1.5 से 2 घंटे का सफ़र रहेगा, बेसिकली 1.5 से 2 घंटे का सफ़र रहेगा आपको। मुंबई में एंटर करेगी घाटकोपर, मतलब ये स्टेशन से लेके खड़ौली स्टेशन से लेके घाटकोपर स्टेशन, जो मुंबई का घाटकोपर स्टेशन है वहाँ तक का कम से कम 2 घंटा या 1.5 घंटा लगता है। तो जो लोग भी मुंबई में जॉब करते हैं और रहने को आपको घर चाहिए तो यहाँ पर आप लेके रह सकते हैं। बिकॉज जो मैं प्राइस बताने वाला ना वो आप आगे तक देखिए, मैं आपको प्राइस बताऊँगा, तो उनके लिए बहुत बेस्ट हो सकता है। और एक उनके लिए भी बहुत ही बेस्ट हो सकता है जो लोग इन्वेस्टर है, लाइक जिनके पास पैसे हैं, इन्वेस्ट करने को जगह चाहिए, उनको इन्वेस्ट करना है फ्यूचर के लिए, तो उनके लिए भी बेस्ट है। आप यहाँ पर ये भी डाउट कहेंगे कि ये क्या बोलते रहे, किसका प्रॉपर्टी है, मतलब जगह किसका, लैंड किसका, भाई आदिवासी का है या फिर कोई ग्रीन जोन का है, फिर क्या है, मतलब यहाँ पर घर बनाना लीगल है कि नहीं है। तो गाइस बहुत सारे जो लैंड होते हैं, फॉरेस्ट लैंड होते हैं, फिर आदिवासी लैंड होते हैं, ऐसे एग्रीकल्चर लैंड होते हैं, ग्रीन जोन होते हैं, तो ये सब टाइप में ना जल्दी घर भी नहीं बनता, ये सब पूरे गवर्नमेंट के ज़्यादा अंडर में हो जाते हैं, फ्यूचर में उसको बहुत नुकसान होता है। मतलब वहाँ पर कुछ भी चीज़ बनाया जाता है तो मतलब एक इलीगल टाइप का हो जाता है। बट ये जो जगह है लैंड, ये ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर देख सकते प्रॉपर सबका घर है यहाँ पर लाइन से, तो ये लैंड पूरा प्रॉपर एक लीगल की तरह आता है, तो यहाँ पर लीगल की तरह आता है, तो यहाँ पर घर बनाया हुआ है। फिलहाल बिल्डिंग के लिए परमिशन अभी नहीं मिला, जब बिल्डिंग के लिए ये सब घर भी बन जाएंगे बहुत सारे, टाइम हो जाएगा तो यहाँ पर भी बिल्डिंग का परमिशन मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हो बहुत ही कम प्राइस, बहुत ही कम होने वाला है, मैं आपको आगे बताऊँगा। आप यू ऐसा निकालोगे ऐसा दे दोगे, क्योंकि इतना कम प्राइस है यहाँ का जो भी घर है या फिर शॉप है उसका प्राइस, तो आप ऐसे निकाल के दे दोगे, तो आप इन्वेस्ट करोगे आपको फ्यूचर के लिए 5 से 10 साल के में भी आपको बहुत बेनिफिट होगा। आपका पैसा मेरे हिसाब से इन्वेस्ट किए रहोगे 5 लाख रुपया तो उसका हो जाएगा मे बी डबल हो जाएगा, मतलब 10 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा,
उतना आगे जाके इसका डिमांड बढ़ने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये पूरा एक शहर है, बहुत ही फेमस शहर है, और ये स्टेशन के बाजू में ही है। तो बता रहेगा स्टेशन के बाजू में जो भी शहर रहता है उसको कैसे उसका डिमांड बढ़ता है, आपको ये चीज़ पता ही रहेगा, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही इतना जानकारी रहेगी। ओके गाइस, अभी चलिए मैं आप लोग को यहाँ का घर और प्लस शॉप दोनों दिखाता हूँ, किस टाइप का आपको यहाँ को देखने को मिलने वाला और उसी अंदर की इंटीरियर कैसा रहेगा और घर कैसा लगेगा, देखने को कैसा लगेगा, ठीक है। तो चलो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैं चलता हूँ मेन रोड पे, मेन रोड से मैं आपको लेके चल दिखाता हूँ प्रॉपर कैसा है। देखो भाई, आपको घर दिखाने से पहले मैं आपको मेन रोड दिखा सकता हूँ, ये मेन रोड देख सकते हैं, इसको बेसिकली आप एक स्टेट हाईवे भी बोल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी चलती है। तो ये देख सकते हैं, यहाँ आगे ही जाओगे 500 मीटर, दो मिनट क्या एक डेढ़ मिनट चल के जाओगे, खड़ौली रेलवे स्टेशन आ जाएगा जो कि 500 मीटर पर रहेगा। आप चल के जाओगे तो डेढ़ मिनट लगेगा, और इसके जस्ट बाजू में आप देख सकते हैं यही प्रोजेक्ट है जो आप लोगों को सामने घर दिख रहा है। तो एकदम ही मेन रोड पे घर है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं होने वाली। और यहाँ पर आपको शॉप भी डालना है, अगर आपको समझो मुंबई में काम नहीं करना है, यहाँ पर आके रहना है, और आपको आपकी कोई जॉब भी करना है, तो यहाँ ऐसा जॉब का भी थोड़ा बहुत है, कंपनियाँ या छोटी मोटी दुकानें ऐसा स्टेशन के पास है, तो आप वहाँ पर जाके काम अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपको काम करना रहेगा, जो भी आपका स्किल रहेगा। या आप अपना खुद का दुकान कुछ डालना चाहोगे तो ऐसे ऐसे मेन रोड पर गाड़ियाँ बहुत आती रहती है, आप कुछ अपना खुद का बिजनेस कर सकोगे। तो चलो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर। ये रोड देख रहे हो, ये रोड भी ओन करते हैं भाई भाई, ये रोड कोई गवर्नमेंट का रोड नहीं है, ये खुद का उनका खुद का ही रोड है जो कि इन्होंने बनाया हुआ है। बस आगे तक जाके 150 मीटर के अंदर ही ये पूरा रोड रहेगा, और उसके आगे जाके आपको पूरा ये मिलेगा, घर मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे चॉल रूम बन चुके हैं, शॉप बहुत सारे बन चुके हैं, तो उसमें से अगर आप बहुत कम से 50% लोग तो लेके रहने भी लग चुके हैं। आपको भी यहाँ पर आके रहना है या फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करके रखना है। आप देख सकते हैं पूरा शहर, अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। फर्स्ट एक शॉप से स्टार्ट करता हूँ, ये शॉप पहला दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग शॉप, बेसिकली ये 10x आपको 12 फीट का शॉप मिलेगा जो कि ऐसा रहेगा, और इसको फिनिशिंग किया हुआ नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं लाइन से शॉप है, इसमें एक और टाइप का शॉप है जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं ये दूसरा शॉप जो कि 250 स्क्वायर फीट का है। ये आप लोग इसमें क्या बेसिकली ऐड किया गया है कि एक किचन और एक टॉयलेट का बाथरूम का एरिया थोड़ा इसमें एडिशनल ऐड किया हुआ है, तो इसलिए ये थोड़ा बड़ा साइज़ का है, 250 स्क्वायर फीट का एरिया। सबका प्राइस गाइज मैं आप लोगों को बताऊँगा, पूरा एंड तक वीडियो देखो, नहीं तो मैं कैप्शन चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन जो वीडियो के नीचे होता है उस पर क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन खुलता है, उसमें पूरा डिटेल्स अच्छे से लिखा रहेगा, तब उस पर रीड आउट कर सकते हैं। शॉप के बाहर देखोगे तो यहाँ पर पूरा ऐसा एरिया। तो गाइस अभी ये सेकेंड रूम मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ 1 आर के, जो कि अभी घर का मैं फर्स्ट दिखाने जा रहा हूँ। ये देखो 1 आर के का इंटीरियर ऊपर चेक कर सकते हैं, सीलिंग वगैरह तो ये आप देखो। और एक चीज़ यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर आपको 24 आवर्स का मिलने वाला है, और वाटर सप्लाई भी यहाँ पर 24 आवर्स का मिलने वाला है। जो 1 आर के का स्क्वायर फीट है वो गाइस 250 का स्क्वायर फीट है, 250 स्क्वायर फीट का पूरा एरिया रहेगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी फिनिशिंग में आपको मिलेगा, इस टाइप का आपको कलर्स मिलेगा और ऐसा विंडो मिलेगा, और सीलिंग वगैरह देख सकते हैं, सीलिंग आपको इस टाइप का करके मिलेगा, लेकिन इसके ऊपर आपको एक पत्रा लग के मिलेगा, और उसके नीचे ये सीलिंग ऐसा किया रहेगा। तो आप लोग ये डिज़ाइन चेक करिए घर का, और टाइल्स आप देखोगे तो काफ़ी ऊपर तक टाइल्स किया हुआ है, तो इसके ऊपर तक आप लोग को यहाँ पर टाइल्स करके मिलेगा, उसके ऊपर आपको दीवार मिलेगा। तो ये आपने बड़ा सा 1 आर के का पहले ये देख लीजिए, स्पेस देख लीजिए, ये इतना बड़ा स्पेस मिलेगा। उसके आगे आप चलोगे, यहाँ से आप एंटर करोगे तो देखो यहाँ पर आपको लेफ्ट में देखोगे तो आपके लेफ्ट में आएगा एक ये बाथरूम आएगा जो कि बाथ का एरिया रहेगा, जहाँ पर नहाने का रहता है, और प्रॉपर आपको ऐसा पाइपिंग करके मिल जाएगा, ये पूरा बाथ का एरिया रहेगा, और उसके जस्ट बाजू में ही टॉयलेट का एरिया रहेगा, टॉयलेट का एरिया आपको इंडियन टॉयलेट मिलेगा, इस टाइप का आप टॉयलेट का एरिया देख सकते हैं, और उसके जस्ट दोनों अपोजिट में काफ़ी स्पेस काफ़ी है, देख सकते हैं आप लोग कितना बड़ा स्पेस है। ये आपको ऐसा किचन का मिल जाएगा एरिया, यहाँ पर देख सकते हैं प्लेटफॉर्म बना के रखा हुआ है, वॉश बेसिन भी यहाँ पर रखा बना के मिलेगा, और साथ में आपको एक वेंटिलेशन के लिए बड़ा सा विंडो रहेगा जिसको आप खोल सकते हो। खोलने का मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, देख सकते हैं। तो अभी हमने आपको दिखाया 1 आर के, उसके अपोजिट में आपको मैं पहले पैसेज एरिया देख लूँ। यहाँ पर देख सकते हैं एक बाइक आराम से पार्क हो गई है, एरिया काफ़ी बड़ा है यहाँ पर, कम से कम ऑलमोस्ट 10 फीट का ये पूरा स्पेस है पैसेज एरिया, जो कि इन दोनों घर के अपोजिट में आपको मिलेगा ऐसा। और अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर लेके चलता हूँ 1 आर के दिखाने के लिए। यहाँ पर विंडो देख सकते हैं, ग्रिलिंग नहीं आई, ग्रिलिंग शायद आपको सेपरेटली अलग से करना पड़ेगा, और यहाँ पर थोड़ा ऊँचाई पर किया हुआ ताकि बारिश में आप लोगों को प्रॉब्लम है। तो एंटर करते हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए हॉल देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा हॉल है, और ऊपर का ये डिज़ाइन देख सकते हैं काफ़ी मस्त किया हुआ, यूनिक सा। और यहाँ ये देखोगे तो मैं आपको बता रहा था जैसे ऊपर काफ़ी किया, इससे क्या बेटर रहता है कि कभी बारिश होती है तो उसका जो फंगस बाहर आ जाता है वो चीज़ इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, जिसमें टाइल्स करके रखा है, और पूरा ये आपको फुली टाइल्स मिलेगा, काफ़ी क्लीन एंड नीट मिलेगा घर आपको।
ये आपने देख लिया। इसका मैं स्क्वायर फीट बता दूँ, 350 स्क्वायर फीट का एरिया रहेगा 1 BHK का। और यहाँ पर आप लोग सामने जाओगे तो एक ऐसा यहाँ पर मिलेगा किचन प्लेटफॉर्म, देख सकते हैं काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है। और उसके जस्ट बगल में आपको एक वेंटिलेशन, और यहाँ पर आपको एक बाथरूम जो कि जो मैं आपको दिखाया है सेम वैसी बाथरूम है। बाथ का एरिया भी वैसे, टॉयलेट का एरिया भी ऐसा है, और ऊपर ऐसा इस टाइप का वाटर टैंक रखने का जगह, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं, और स्पेस रखा हुआ है पीछे, सीलिंग किया हुआ है तो इसके ऊपर थोड़ा स्पेस है, तो आप इसको एक स्टोरेज रूम भी ऊपर कर सकते हो। और इसके बाद यहाँ पर मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ रूम में, जो बेडरूम रहेगा बेसिकली। बेडरूम का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, 10 बाय 10 फीट का लग रहा है। और देख सकते हैं यहाँ पर बेडरूम में आपको ऐसा टाइल्स करके नहीं मिला है, फिर भी आपको एडिशनल कराना रहेगा तो पूछ लेना, टाइल्स करके लेना रहेगा तो टाइल्स करके ले लेना, क्योंकि हॉल तक ऊपर तक टाइल्स किया हुआ है, हाफ टाइल्स किया हुआ है, इसमें हाफ टाइल्स नहीं है। और यहाँ पर आप लोगों को एक विंडो मिलेगा, ठीक है। 1 RK का मैंने दिखा दिया, अभी मैं आपको एक लास्ट रूम 2 BHK का दिखा देता हूँ। 2 BHK का, ये अंडर कंस्ट्रक्शन में है तो थोड़ा बहुत इसमें ऐसा वर्क देखने को मिलेगा। मैं आपको एक ऐसी दिखा देता हूँ, लेआउट वगैरह आप चेक कर सकते हैं किस टाइप का रहेगा। ऐसा एक हॉल रहेगा, जस्ट उसके बाजू में आपको ऐसा डोर मिलेगा, एक 1 बेडरूम के लिए मिलेगा, एक 2 बेडरूम के लिए मिलेगा। और यहाँ पर आपको एज इट इज जैसा मैंने 1 RK 1 BHK में दिखाया, इस साइड आपको आएगा किचन का एरिया, और इस साइड आएगा बाथरूम और टॉयलेट का एरिया, और सामने एक वेंटिलेशन। तो ये आप 2 BHK का देख सकते हैं लेआउट, ऐसा इस टाइप का रहेगा 2 BHK आपका। यहाँ तक आपने वीडियो देख ही लिया है तो फिर चलो अभी आपको रेट डिस्क्लोज किया जाए। अगर यहाँ तक देख लिया तो गाइस थोड़ा सा इस वीडियो को थोड़ा लाइक कर देना, सपोर्ट कर देना, ऐसे ऐसे न्यू प्रोजेक्ट मैं आप लोग के लिए लेके आते रहता हूँ, बेनिफिशियल प्रोजेक्ट। ये देख सकते हैं नया अंडर कंस्ट्रक्शन में, तो आप लोग इसको बेनिफिट एक उतार सकते हैं, क्योंकि अभी ये फ्यूचर में जाके और भी इसका डिमांड बढ़ेगा। सबसे खास बात लीगल है, मतलब लैंड जो है वो लीगल है, खुद के नाम पे है प्रोजेक्ट, उसमें दिक्कत की बात नहीं है। बाकी स्टेशन भी बाजू में 500 मीटर पे बाजू में, तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, मैं आप लोगों को ये दिखाया। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, जो आपने पहला शॉप देखा था 125 स्क्वायर फीट का, उसका जो प्राइस रहेगा वो 5.5 लाख रुपए का रहेगा। और जो दूसरा शॉप दिखाया था मैंने आपको, जिसमें 250 स्क्वायर फीट था, जिसमें कि एक अलग से सेपरेट बाथरूम और किचन था, उसका प्राइस होने वाला है गाइस 7.5 लाख रुपया। और जो घर रहेगा 1 RK का रहेगा वो गाइस 4.5 लाख रुपये में रहेगा, 1 RK 4.5 लाख रुपया 250 स्क्वायर फीट का। और जो सेकेंड 1 BHK रहेगा 350 स्क्वायर फीट का, वो रहने वाला है 5.5 लाख रुपया। और जो 2 BHK का रहेगा 1 लाख रुपया, वो कितने स्क्वायर फीट करेगा, वो 500 स्क्वायर फीट करेगा। तो और जो इसमें एक और चीज़ मैं आपको ऐड कर देता हूँ, कोई फुल पेमेंट पे ले लेगा ना, जैसे समझो पूरा का पूरा पैसा दे दिया घर का, तो गाइस आप लोगों को थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा, बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा डायरेक्टली आपने फुल पेमेंट कर दिया। बाकी EMI का ऑप्शन है, आप EMI करा सकते हैं, बैंक लोन वगैरह तो फिलहाल इसमें नहीं है, लेकिन आप एक पर्सनली मतलब इनसे खुद ही एक EMI का ऑप्शन का अवेलेबल करवा सकते हैं, इनके यहाँ EMI आपको मिल जाएगा किस्तों में पेमेंट देने के लिए, ठीक है। बाकी का डिटेल्स आपको और भी कुछ जानना है प्रोजेक्ट के बारे में, क्या पेमेंट लगेगा या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट करो, यहाँ पर आपको सारी जो भी आपकी इंक्वायरीज क्वेरीज रहेगी आपको सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इस पर आप लोग कॉन्टैक्ट करिए और अपना बुकिंग करिए, फ्यूचर के लिए बहुत बेस्ट है। होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया रहेगा, पसंद आया रहेगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, अपने रिलेटिव में ज़्यादा शेयर करना गाइस, जो लोग भी बहुत परेशान हैं घर लेने को, या फिर उनको कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ जगह चाहिए, तो इस वीडियो को ज़रूर उनके साथ शेयर करना। और मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसे मुंबई से महाराष्ट्र के अंदर पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर मैं ऐसे वीडियोस लेके आते रहता हूँ प्रोजेक्ट के ऊपर, और काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के वीडियो मैं बनाता हूँ, तो आप लोग को एक बेनिफिट और इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। चलो गाइस बाय, मिलता हूँ आपको मेरी न्यू वीडियो में, ठीक है, बाय।